है, ए बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 200, ए बलून इज एट ए हाइट ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ए मैन इनसाइड इट थ्रो ए बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू रीच ग्राउंड। टाइम टेकन निकालना है टू रीच ग्राउंड, यानी कि हमारे पास क्या है, ये टावर है, इस प्रकार से यहाँ पे एक बलून है, ओके, जिसको नीचे की तरफ छोड़ा आ रहा है, वो 20 मीटर पर सेकेंड, ये 200 मीटर का टावर है। एक मैन है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसने नीचे की तरफ एक बॉल फेंकी है, जिसकी जो स्पीड है वो क्या है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नया क्वेश्चन मिलेगा, ये टावर है जिसकी हाइट क्या है 200 मीटर, इसलिए पूछा है इनको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, कि दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या कहते हैं ऐड हो जाएंगे, तो 30 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी नीचे की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास टाइम निकालना है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, डिस्टेंस क्या है 200 मीटर, वेलोसिटी क्या है हमारे पास 30, टी प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन 10, टी स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा 5, तो यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन मिल जाएगी वो क्या आ जाएगी 50 टी स्क्वेयर प्लस 30 टी माइनस 200 इक्वल टू 0, 50 टी स्क्वेयर प्लस 30 माइनस 200 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 50, ओके, अगर उनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 200, ऐड करें तो हमारे पास आना चाहिए 50, या फिर हम इसको सिंपलीफाई कर लें, इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 टी स्क्वायर है, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस 40 इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि ऐड करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए 6, और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए माइनस 40, ऐड करने पे 6 और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 40। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का 10 माइनस का 4, प्लस का 10 माइनस का 4, 10 टी माइनस का 40 और माइनस 40 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से टी कॉमन ले लेंगे तो टी प्लस 10, ये क्या आ गया हमारे पास टी प्लस 10, ऐसे माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया तो टी प्लस 10 आ गया हमारे पास, तो ये क्या आ गया टी माइनस 4 एंड टी प्लस 10। तो टाइम एक क्या आ रहा है हमारे पास 4 सेकंड आ रहा है, और एक टाइम क्या आ रहा है माइनस 10 सेकंड, तो टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो आंसर क्या आ जाएगा टी इक्वल टू 4 सेकंड में ये दोनों क्या आ जाएंगे नीचे पहुंच जाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन।